वेलकम दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि फॉर्म डेटा के वैल्यू को कैसे बाइंड कर सकते हैं। जैसे आप कोई भी फॉर्म बनाते हो, ये मैंने बहुत ही सिंपल सा फॉर्म बना रखा है, एचटीएमएल बेकार सा, लेकिन समझाने के लिए ठीक है। इसमें हमने क्या करा है, एक टैक्स ले लिया है, एक इसमें ले लिया सेलेक्ट बॉक्स, एक जेंडर, और बटन लेना भूल गए, उसको भी ऐड कर लेंगे हमें, ठीक है। तो मेरे को क्या करना है, हमें ये करना है कि ये जो वैल्यू हम जो डाल रहे हैं सारी एक सब मतलब बाइंड हो जाए और उनको हम गेट कर लें। तो व्यू जी एस में कैसे करते हैं वो हम देखते हैं। तो देखो, कोई भी वैल्यू बाइंड करने के लिए पहले हम यहाँ पे एक की बना लेंगे कि सारा जो फॉर्म का डेटा है एक वेरिएबल में स्टोर हो जाए, ताकि जब हम सबमिट करें तो हम सीधा एक वेरिएबल को पास कर दें। तो मैं फॉर्म डेटा नाम से एक वेरिएबल बना लेता हूँ, मतलब ये जो वेरिएबल है ना, ये कुछ भी हो सकता है आपका। यहाँ पर मेरे को चाहिए फर्स्ट नेम, तो फर्स्ट नेम लिख दिया जो कि स्टार्टिंग में ब्लैंक है। ये मैंने इसलिए लिया है क्योंकि अगर मान लो ये फॉर्म आपका एडिट का होता है तो अगर हम यहाँ पर जो वैल्यू है डिफ़ॉल्ट में भी डाल सकते थे और वो वैल्यू वहाँ पे दिखने लग जाती है। अभी पहले इसको बाइंड कैसे करना है, तो इसको बाइंड करने के लिए आपको वी हाइफन मॉडल ये लिखना होगा, उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा वेरिएबल का नाम। वेरिएबल है फॉर्म डेटा, इसके अंदर है फर्स्ट नेम। आप चाहो तो अलग भी ले सकते थे, लेकिन ये है ना कि जब फॉर्म का डेटा है तो 10-15 फील्ड होंगे तो वो एक ही ऑब्जेक्ट से कॉल हो जाए, तो इसलिए एक ले लिया। तो ये देखो, अच्छा अभी इस वाले फॉर्म को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डिस्प्ले भी करवा लेते हैं ताकि साथ के साथ जो भी मैं वैल्यू डालूँ वो यहीं पे शो हो जाए। यहाँ पे ही है, यहाँ मैं डालूँगा टेस्ट। तो ये देखो, ऊपर देख रही है, सेम अगर स्टेटस वाले फील्ड को करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, बाइंड वी हाइफन मॉडल, उसके बाद फॉर्म डेटा डॉट, यहाँ हम लिख देंगे जेंडर। देखो स्टार्टिंग में एक की है, अब मैं इसमें सेलेक्ट कर दूंगा यस, क्यों, क्योंकि ना हमने डिफ़ॉल्ट में यहाँ पर ले नहीं रखी है, तो मैं डिफ़ॉल्ट में स्टार्टिंग में भी ले लेते हैं कि स्टार्टिंग में जेंडर रहे, वरना पता चलेगा कि आपने वो वैल्यू सेलेक्ट नहीं करी है तो केवल एक ही फील्ड जा रहा है आपको सबमिट होने के लिए। तो यहाँ पर देखो, नेम डाला तो नेम बाइंड हो गया, स्टेटस डाला मतलब ये स्टेटस लिख दिया मैंने, हाँ ठीक है, स्टेटस डाला, स्टेटस हो गया। अब बचा जेंडर और मेल, जेंडर मेल फीमेल वाला, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, इसको ही बाइंड कर देंगे, इसको बाइंड करेंगे वी हाइफन मॉडल, और यहाँ हम लिख देंगे सेम ये, अच्छा जेंडर मैंने यहाँ लिख दिया, ये स्टेटस रखूँगा ना मैं इसको, स्टेटस जेंडर नहीं चलेंगे, फॉर्म डेटा डॉट जेंडर, और सेम मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ वी आईफोन मॉडल, और ये बंद, कुछ एरर आ गया, अच्छा यहाँ पर ठीक है। तो अब देखो, यहाँ से नेम डाला, नेम आ गया, स्टेटस डाला, हमारा स्टेटस भी आ गया, सेलेक्ट या नो, यस या नो है, मेल डाल दो, फीमेल डाल दो, ये भी हो गया। अब सबमिट पर ये सारी वैल्यू चाहिए हमें, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक बटन बना लेते हैं, सबमिट बटन, और इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ, बटन या बनाते हैं हम सबमिट, इसके साथ ही हम एक फंक्शन बनाते हैं अपना वी हाइफन ऑन क्लिक, और सबमिट डेटा नाम का हम फंक्शन बना लेते हैं, यहाँ पर मेथड्स के अंदर बनाएंगे, और इसमें जो भी इवेंट चल रहा होगा उसको हम मना कर देंगे, इवेंट डॉट प्रिवेंट, कि वो एक्शन परफॉर्म ना हो, कभी पेज हमारा घूम जाए, क्या होता है यार, प्रिवेंट होता है ना, प्रिवेंट डिफॉल्ट। और यहाँ पर मैं कंसोल करवा लूँगा, कंसोल लॉग, जो हमारा ये वाला वेरिएबल है, कि सारा हमारा मेन जो है इसमें आ जाएगा दिस डॉट फॉर्म डेटा। चेक करते हैं अब इसको, या नेम लिखा हमने कोड, स्टेटस लिखा यस, मेल ये लिखा मेल, जैसे मैं सबमिट करूँगा तो ये देखो सारा डेटा हमारा आ गया। अब इसको चाहो तो आप पास कर दो किसी भी एपीआई में, ये हम आगे आने वाली वीडियो में बता देंगे जब मैं ये बता दूंगा कि एपीआई कैसे कॉल करवाते हैं।
है, तो बाकी आज के यही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।